एक घोड़ों की रेस थी, अलग अलग पंचायतों से घोड़े बुलवाए गए। एक पंचायत में घोड़ा नहीं था तो पंचायत ने कहा, भाई साहब अपने गांव की इज्जत का सवाल है। उन्होंने बोला क्या किया जाए कि घोड़ा नहीं है, गधे को तैयार करो। अब उन्होंने पूरे गांव ने ढूंढा, गधों में हड़कंप मच गया, और मरवा दिया रे, घोड़ों में भेजेंगे। गधों में हड़कंप मच गया, लेकिन फिर भी जो हृष्ट पुष्ट था ना गधा, थोड़ा सा घोड़े जैसा लगने वाला, उसको लिया। उसको लेके कि भाई तू कर सकता, वो कदम मरवाओगे, मत भेजो। नहीं, तू कर सकता है। उसको पूरे दो दिन का आरटीपी दे के बोला, तू कर सकता है। अब इतने पंप भरते हैं तो कुछ तो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। गधे ने बोला, मैं जाएगा गांव की इज्जत के लिए, मैं जाएगा रेस में, जाएगा पंचायत की इज्जत के लिए, पूरा लुट जाएगा, लेकिन मैं जाएगा। ओके, सरपंच तैयार, सारी टीम तैयार, और गधे को लाके खड़ा कर दिया रेसिंग की लाइन पे, और गधा बिल्कुल रेडी। लेफ्ट में देखा घोड़े, अरे बारे मर गए रे, राइट में मर गए रे, बारे कांपने लग गए पांव। अब गधा वहां तो ठीक था, लेकिन घोड़ों में पहुंचने के बाद तो फर्क पड़ता है ना, कांप रहा है, टांगे कांप रही है, और विसिल बजने वाली है, और विसिल बजने के 5 सेकंड पहले वो हुआ जिसने प्रकृति के नियम ही बदल दिए। विसिल बजने के 5 सेकंड पहले गांव के सरपंच ने गधे की पूंछ उठा के आधा किलो मिर्ची डाल दी। और आप कह रहे हो कि रेस का रिजल्ट क्या हुआ? अरे रिजल्ट, 6 महीने तक गधा रुका ही नहीं। 5-6 रेस और हो गई 6 महीने में, वो रुका ही नहीं। क्यों? जिसके आग लग रही होती है ना आग, वो नहीं रुक सकता। एक गधा भी घोड़ों को हरा सकता है जब डिजायर अपनी तड़प पे होती है। इस कहानी का मैसेज ये है, अगर जिंदगी में आप भी कुछ कर गुजरना चाहते हो, अपनी डिजायर को थोड़ा होले होले अब थोड़ा सा आंच देना चालू करो। हम आप सब लड़का लड़की से कहना चाहेंगे कि अभी वक्त है, अभी सर झुका के पढ़ लीजिए। वादा है आपसे कि जिला में सबसे ऊंचा सर आपका होगा, लेकिन अगर अभी आप सोचिएगा आराम करने के लिए, पूरी जिंदगी आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। अगर आज आप किताबों के दीवाने हो गए ना, तो कल दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। किसी ड्रीम गर्ल के लिए ना, अपने माँ बाप के ड्रीम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग जो सोचते हैं ना इधर उधर, वो खुशी तो आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं। कोई स्टूडेंट अभी तक खुशी नहीं देखा, हम आपको व्यक्तिगत बताते हैं। देखिए, खुशी कब मिलेगी आपको? जिस दिन आपको जॉब मिलेगा ना, और जो पहली सैलरी मिलेगी वो भी नहीं खुशी है। जब आप अपनी पहली सैलरी ले जाके अपनी माँ के हाथों में देंगे ना, तो आपकी आँखों में आंसू होगा। आप याद करेंगे कि जिस माँ की उंगलियों को पकड़कर हमने चलना सीखा, आज उसको हमने अपनी पहली कमाई दिया है। और जब कमाने लगेंगे ना, तब समझ में आएगा कि लाखों रुपए की अहमियत कुछ नहीं है, वो 1 रुपए के आगे जब माँ स्कूल जाते वक्त दिया करती थी। और गौर से देखा करो अपने माँ बाप के आँखों में, ये वो आईने होते हैं जिसमें बच्चे कभी बूढ़े नहीं होते। देखिए, जीवन में ना अपने अंदर से अहंकार बिल्कुल निकाल दीजिएगा। अहंकार बहुत ही खराब चीज़ है। कहते हैं कि अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता, छत पे चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता। अहंकार नहीं करना चाहिए। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। अहंकार कभी नहीं कीजिएगा। तूफान ज़्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, और घमंड ज़्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है।